दोस्तों आज का वीडियो में हम लोग बात करेंगे Redmi 8 के बारे में। देखिए दोस्तों, मेरे पास दो Redmi 8 मोबाइल है और इसमें एक कॉमन प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपका Redmi 8 मोबाइल है, कोई भी Redmi 8 मोबाइल में चलते चलते अचानक बंद हो जाता है, ऑन नहीं होता है, तो आप किसी भी रिपेयरिंग शॉप लेके जाने का जरूरत नहीं है दोस्तों, आप उसको घर में ही ऑन करा सकते हो। कैसे क्या करना है सब कुछ इस वीडियो में डिटेल्सली बताऊंगा। वीडियो अगर आप पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि ऐसे ही मोबाइल के बारे में अच्छा अच्छा वीडियो आपको इस चैनल में मिलता रहेगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, मेरे पास इधर जो है Redmi का 8 मोबाइल है और ये जो प्रॉब्लम के बारे में मैं बताऊंगा, जिसके बारे में कि मैं बता रहा हूं कि Redmi का मोबाइल जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाता है, या तो आपने मोबाइल को रख दिया होगा कुछ देर के लिए, उसके बाद जो है आप पावर बटन प्रेस करते जा रहे हो, डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है, ये जो है ऑटोमेटिक हो रहा है, कुछ करने का भी जरूरत नहीं है। तो अगर आपका Redmi का 8, 8A, 8A Dual ये दोनों तीनों सेट मोबाइल में, कोई भी मॉडल में अगर चलते चलते बंद हो चुका है, ऑन नहीं हो रहा है, तो आप एक छोटा सा काम करो, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, ये जो है Redmi का 8 है और इसमें अभी जो है मोबाइल ऑन है। अगर सोच लो ये मोबाइल अभी ऑन नहीं हो रहा है, या तो आपका मोबाइल टोटली बंद हो चुका है, डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा है, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देखिए दोस्तों, मैं इसको लॉक स्क्रीन बंद कर दिया, उसके बाद सोच लो ये बंद है, तो आपको क्या करना है ना, वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन को तीनों को एक साथ पकड़ के रखना है। जब तक ये तीनों को ऐसे करके पकड़ के रखोगे, कुछ देर के बाद क्या होगा ना, आपका मोबाइल जो है स्विच ऑफ होके फिर ऑन हो जाएगा। देखिए दोस्तों, Redmi लोगो आ चुका है, मोबाइल जो है स्विच ऑफ होके ऑन हो चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ओनली वॉल्यूम का प्लस माइनस और पावर बटन को एक साथ पकड़ के रखना है। 30 से 40 सेकंड तक आपका मोबाइल बंद होके ऑन हो जाएगा और आपका मोबाइल में जो ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो गया था, ऑन नहीं हुआ था, Redmi का लोगो आ जाएगा और आपका मोबाइल बिल्कुल ठीक हो जाएगा, किसी रिपेयरिंग शॉप कहीं पे भी लेके जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग का दोस्त लोग के साथ शेयर करना, और अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।